हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ उस छोटे से बच्चे के बारे में जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। न्यूज़ में आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि किसान आंदोलन के पक्ष में बोला है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें उसने बोली हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसी न किसी ने तो उसको भड़काया है, किसी न किसी ने उसको ये चीज़ें सिखाई हैं जिसने वो भर भर के उसने वो बातें बोली हैं, वरना इतना छोटा बच्चा इतनी बातें नहीं बोल सकता। और मीडिया वालों ने ये भी बताया काफ़ी टाइम से वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो पूरे दिन करता क्या है, आप खुद सोच सकते हैं। और इस तरह की बातें वो प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहा है, तो वो खुद कल को आप ये देखिए कितने अपराध कर सकता है जब वो ये बातें बोल रहा है कि मैं फांसी की सजा दूंगा, मैं फांसी चढ़ा दूंगा उनको। तो आप ये देखिए, जब बच्चे इस तरह की या कोई भी हो, मैं ये देखती हूँ जो भी इस तरह की बातें करता है और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और वो छा जाता है सोशल मीडिया पे, तो कितने लोग पीछे पीछे ऐसी ही बातें करके छाने की कोशिश करते हैं और कितनी ही ऐसी वीडियो वायरल होती है फिर कि हाँ चलो ये भी छा गया तो मैं भी ऐसे बोल देता हूँ। और मीडिया वालों की मुझे एक बात तो बहुत ज़्यादा गलत लगी, जब वो बच्चा ये चीज़ें बोल रहा था, वो सामने आया है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि उसका फेस दिखाना चाहिए। आप लोगों ने उसका फेस नहीं दिखाया, सिर्फ उसकी बातें सुनवाई हैं। तो जब वो इतनी बातें मतलब सामने आके कह रहा है, उसमें इतनी हिम्मत है, तो उसका फेस भी दिखाइए ना लोगों को कि वो कौन सा ऐसा बच्चा है भाई कि इस तरह की बातें कर सकता है। तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, जब आप इतनी हिम्मत रखते हो कि फांसी मतलब आपके सामने आएंगे तो फांसी दे दोगे, तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो आप क्यों नहीं सामने आते, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो खुद इस चीज़ को सोचिए, ये किसी न किसी की चाल है, किसी न किसी ने उसे पीछे से भड़काया है। और मीडिया वालों को इस तरह की शर्तें नहीं माननी चाहिए कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम ये सिर्फ बातें बोलेंगे। आप उनको चेहरा जरूर दिखाइए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि कल को वो कोई अपराध भी करता है तो लोगों को पता चले हाँ ये वही बच्चा है। और जब ये बच्चे इस तरह की वीडियो बनाते हैं और छा जाते हैं, तो कितने बच्चे यही चीज़ सीखेंगे कि भाई हाँ चलो ये बच्चा भी छा गया और इसका फेस भी नहीं दिखाई दिया, तो मैं भी क्यों ना यही ऐसी वीडियो बनाऊं और मैं भी छा जाऊंगा, मेरा फेस तो दिखाई नहीं देगा किसी को अगर मैं कल को कोई अपराध भी करता हूं। तो मुझे ये चीज़ मीडिया की बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस चीज़ के लिए। और मीडिया वालों से प्लीज़ हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए कि अगर आप इस तरह की वीडियो किसी की मतलब बनाते हैं या किसी का इंटरव्यू इस तरह का लेते हैं, तो उसका चेहरा ज़रूर दिखाइए ताकि लोगों को पता चलना चाहिए वो कौन है। अगर कल को कोई अपराध होता है इस तरह के मानसिकता रखने वाले बच्चे का, तो हमें पता चलना चाहिए कि वो बच्चा कौन है। तो इतना ही कहूँगी और फिर फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।